हेलो एवरीवन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स का ऐलान किया गया है। मेल और फीमेल दोनों ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है, और एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपने इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले इसमें एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। इसमें लॉ ऑफिसर की जॉब है, 70 स्केल की ये जॉब है। इसके लिए आपके पास लॉ ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद 5 ईयर्स एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ हाई कोर्ट और एज अ जुडिशियल ऑफिसर में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 ईयर का। उसके बाद क्यूरेटर की जॉब है, इसके लिए आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स में, या इसके रिलेटेड भी आपके पास कोई डिग्री हो तो वो भी चल जाएगी। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आर्ट गैलरी और म्यूजियम में। मेल और फीमेल दोनों ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में, ये 16 स्केल की जॉब है। उसके बाद मलेरिया सुपरिटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए BS ऑनर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन जोलॉजी में। उसके बाद असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब है, इसके लिए BS जोलॉजी आपके पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। उसके बाद नॉन मेडिकल एविल्यूएटर की जॉब है, इसके लिए भी BSc की डिग्री जोलॉजी में होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। और रिकॉर्ड ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में आपके पास। लाइब्रेरियन की जॉब है, इसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें 16 और 17 स्केल्स की जॉब है। यहाँ पर नीचे उन्होंने बताया कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपने www.spsc.gov.pk के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उसके अलावा आपने एक 500 का चालान फॉर्म भी इसके लिए निकलवाना है। चालान फॉर्म भी इनकी वेबसाइट SPSC की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस दरख्वास्त को जमा करवाने की जो लास्ट डेट वो 10/6/2024 है। इस दरख्वास्त को जमा करवाने के बाद आपने इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। इसके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk के वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर आकर आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर जिस भी जॉब की तैयारी करनी है उसके रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो वो उसके तमाम पास पेपर वगैरह खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है किसी भी जॉब की तैयारी के लिए। आप भी यहाँ से अपने जॉब के टेस्ट की तैयारी करें और इस वेबसाइट से फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।